लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग भीम बैच में फोटोसिंथेसिस इन हार्ड प्लांट्स के अंतर्गत एक और लेक्चर में बात करेंगे। और बेटा, आज का लेक्चर हमारा होगा एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फोटोसिंथेसिस या इन द फोटोसिंथेसिस। तो बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जनरली ऐसा हुआ, कई बार पहले भी पढ़ाया गया, तो बच्चों के डाउट यहाँ से बहुत सारे आते हैं। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, और उससे रिलेटेड कर्व जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो किस प्रकार से बनते हैं और वो क्या इंडिकेट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं बिना इधर उधर की बात के। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। सबसे पहले बात यहां पर करेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले इसमें दो बातें लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन और दूसरा लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन तो समझ में आता है, किसी चीज को अवशोषित कर लेना, किसी चीज को ले लेना, लेकिन ये स्पेक्ट्रम क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इस पर बात करेंगे कि ये स्पेक्ट्रम क्या है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। जब तक आपको स्पेक्ट्रम बेटा समझ नहीं आएगा, तब तक आपको कभी भी ये बात समझ नहीं आएगी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था क्या। जल्दबाजी नहीं, औरों की तरह बड़े आराम से प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अब सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, यानी ये क्वेश्चन यहां पे बन रहा है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। आप सभी को एक बात बताई गई थी, क्या बात बताई गई थी, कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में नीचे आता है, ऐसे किसके रूप में आता है नीचे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आता है, और आने वाली इन प्रकाश की किरणों को हम लोग कहते हैं फोटॉन। क्या कहते हैं बेटा इसको, हम लोग फोटॉन कहते हैं। अब इस फोटॉन्स को, यानी जो लाइट ऊपर से नीचे आ रही है, इस लाइट को अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, जैसे कोई तरंग होती है ना, ऐसे ये तरंग है एक ऐसे, तो दो, एक यहां पर ये ऊंचा दिख रहा है, एक नीचे की तरफ दिख रहा है, तो एक ऊंचाई और एक नीचे की तरफ जो ये आपको दिख रहा है, हिंदी में कहते हैं एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। बिल्कुल पूरा शुरू से समझना है। अब ये सूर्य का प्रकाश जो फोटॉन्स के रूप में नीचे आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, तो ये लाइट तीन प्रकार से बट जाती है। ये किसके आधार पर तीन भागों में बट रही है, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ,
ठीक है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सूर्य का प्रकाश तीन भागों में बटा होता है। अब देखो जिनकी वेवलेंथ 300 एनएम से कम होती है, लेस देन 300 एनएम, उसे हम कहते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रा रेड कहा जाता है। जिनकी वेवलेंथ 390 से 760 के बीच में होती है उसे हम कहते हैं विजिबल लाइट, इसे कहा जाता है विजिबल लाइट। और जिनकी वेवलेंथ मोर देन 760 एनएम इसे कहते हैं हम लोग यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेस। पूरी बात बेटा यहां पर आप समझ चुके हैं कि आने वाले सूर्य के प्रकाश में तीन वेवलेंथ के अकॉर्डिंग तीन प्रकार का प्रकाश होता है। एक होता है इंफ्रारेड जिसकी वेवलेंथ 300 एनएम से कम होती है, दूसरा होता है विजिबल लाइट जिनकी वेवलेंथ 390 से 760 के बीच होती है। जिनकी वेवलेंथ 760 से ऊपर होती है उनको हम अल्ट्रावायलेट कहते हैं। अब देखो इसमें एक बात और समझने वाली यह है कि जो विजिबल लाइट है ओनली दिस लाइट यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, ओनली दिस लाइट यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। सूर्य के प्रकाश की वो मात्रा जिनकी वेवलेंथ 390 से 760 एनएम के बीच होती है वो केवल प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं, हम इसे कहते हैं क्या कहते हैं बेटा इसको पार, पी ए आर, इसका मतलब होता है फोटो एक्टिव रेडिएशन। यानी सूर्य से आने वाली समस्त प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी नहीं होती है, केवल प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का वो भाग उपयोगी होता है जो 390 से 760 एनएम वाली प्रकाश की किरणों को रखता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, अब बेटा बात करेंगे स्पेक्ट्रम की। अब जैसे यहां पर विजिबल लाइट, जैसे हम मान लेते हैं कि ये सूर्य का प्रकाश इस तरीके से आ रहा है, जब इस सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म के द्वारा हम पास आउट कराते हैं, तो जब किसी प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को पास आउट कराया जाता है तो जो श्वेत लाइट है वो श्वेत लाइट इस प्रकार से अलग अलग वर्ण में अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। दोबारा से सुनिए, जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से पास आउट कराया जाता है, प्रिज्म से पास आउट कराया जाता है जो लाइट आती है ऊपर से, इसे हम कहते हैं व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, यह है व्हाइट लाइट। जब इस श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से पास आउट कराते हैं तो ये अलग अलग रंगों में बट जाती है, तो इस प्रकार सूर्य के प्रकाश का अलग अलग रंगों में बटना ही हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ कि व्हाइट लाइट का अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर में डिफरेंशिएट हो जाना ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये तो बात हो गई कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं।
अब किसमें डिफरेंशिएट हुआ, बचपन से आपको पढ़ाया जा रहा है विवगेउन यानी वायलेट इंडिगो, इसके बाद ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की किरणों में अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। अब बेटा यहां पर एक बात और समझ लो कि प्रत्येक रंग की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। जैसे जैसे कि अगर बात करें तो वायलेट की होती है 390 से लगा करके 430, इंडिगो की होती है 430 से लगा करके 470, ब्लू की होती है 400 से 500, इसी प्रकार ग्रीन की होती है 500 से 660, इसी प्रकार वायलेट की अगर बात करें तो 562, 600, ये गड़बड़ हुआ बेटा, ये 560 है। इसी प्रकार ऑरेंज की अगर बात करें तो 600 से लगा करके 630 के बीच होती है, और अगर रेड की बात करें तो 650 से 760 के बीच होती है। तो ये जो पूरा आप सिस्टम देख रहे हो जिसमें प्रिज्म की सहायता से व्हाइट लाइट को जब पास आउट किया गया तो अपने अपने वेवलेंथ अथवा अलग अलग कलर में ये डिफरेंशिएट हो गया, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, इसे बोला बेटा गया स्पेक्ट्रम। अब जब आपको ये बात समझ में आ गई, जनरली लोग डायरेक्ट पढ़ा देते हैं कर्व, हमने नहीं पढ़ाया, हमने पूरा डिटेल में इसीलिए पढ़ाया कि आपको सारी बात समझ में आ जाए। अब हम बात करेंगे किसकी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। अब बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। अब पहले चूंकि आप समझ गए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रम में आने वाले जो वर्ण विपथन है या अलग अलग वर्ण के प्रकाश से रंगों के प्रकाश से उनकी वेवलेंथ क्या क्या होती है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी। अब बेटा हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। बेटा अब हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम हम समझ गए कि अलग अलग वेवलेंथ वाली प्रकाश की किरणों का अध्ययन किया जाएगा, किस पर, क्लोरोफिल पर। किस क्लोरोफिल के द्वारा, हमारे पास पिगमेंट थे ना, कौन कौन पिगमेंट थे हमारे पास, पिगमेंट थे बेटा याद होगा आपको, एक तो था क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जैंथ्रोफिल, ये हमारे पास पिगमेंट्स थे। इन पिगमेंट्स पर जब विभिन्न प्रकार की प्रकाश की किरणों को डाला जाता है तो कौन सा पिगमेंट किस रंग की प्रकाश की किरण को अधिक अवशोषित करता है, दोबारा से समझ लें। अवशोषण स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि आने वाली सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विभिन्न प्रकार के रंग अथवा अलग अलग वेवलेंथ वाली प्रकाश की किरणों को जब इन तीनों पर डाला जाता है तो किस रंग की प्रकाश की किरण को या किस वेवलेंथ वाली प्रकाश की किरण को इन पिगमेंट्स में से सर्वाधिक तौर पर कौन अवशोषित करता है, इसकी जानकारी को हम कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम और द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मींस विच पिगमेंट एब्जॉर्ब मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक यानी एक ही रंग की लाइट
किसी एक रंग की लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट को अब्सॉर्ब करता है। अब इसे हम कैसे नापते हैं? इसके लिए बेटा एक टूल्स होता है, उपकरण होता है, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। इस स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से प्रकाश की विभिन्न प्रकार की किरणों को जब अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पर डाला जाता है तो अलग अलग प्रकाश की किरणों को अलग अलग क्लोरोफिल अवशोषित करता है, जिसकी जानकारी करना ही अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब कि यहां पर एक बात को समझना है, इसका एक ग्राफ पढ़ाया जाता है यहां पर, ये आप देख सकते हो इस तरीके से, ये ग्राफ आपके सामने है। आपका समय बर्बाद न हो इसलिए पहले से हमने इसे बना लिया। यहां पर एब्जॉर्प्शन दिखाया गया और इस तरफ ये विभिन्न वेवलेंथ है। अब जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऐसे करके ये सातों प्रकाश के रंग हैं। अब जब स्पेक्ट्रोमीटर पर अलग अलग प्रकाश की किरणों को डाला गया तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये जो पर्पल पीक दिख रही है ये हमारी क्लोरोफिल ए की है। तो क्लोरोफिल ए दो जगह पीक बना रहा है। पहली पीक ये कहां बना रहा है? पहली पीक अगर हम देखें तो मैक्सिमम पीक ये देखो ये बना रहा है इस जगह पर बेटा, यहां पर ये पीक बना रहा है, मैक्सिमम पीक इस जगह पे बना रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 400 एनएम वाली प्रकाश की किरणों से ये स्टार्ट हो करके और करीब करीब कहां तक आ रहा है, ये कहां तक आ रहा है, 430 वाली प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। फिर इसके बाद यहां पे आए, देखिए यहां पर इसने कोई अवशोषण नहीं किया। 500 के बाद इसने किसी भी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य या रंग को अवशोषित नहीं किया। 600 पर थोड़ा सा ऊपर फ्लक्चुएट हुआ, फिर नीचे आ गया और जैसे ही ये रेड लाइट जोन में आया यानी 700 के आसपास आता है तो फिर से ये पीक ऊपर जाती है। यानी अगर हम बात करें यहां पर तो क्लोरोफिल ए वायलेट से स्टार्ट करके और ब्लू तक की प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। आप भी देख सकते हो वायलेट से स्टार्ट हो करके और ब्लू तक की प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। अब इसके बाद अब की बार क्लोरोफिल बी पर अलग अलग प्रकाश की किरणों को डाला गया। जैसे ही क्लोरोफिल बी पर इसकी पीक कहां पे बन रही, देखो इसकी पीक बेटा बन रही यहां पर, ये ऐसे, और ये नियर अबाउट ब्लू लाइट। फिर एक छोटी सी पीक यहां पे बनती है 700 से पहले पहले यानी ऑरेंज की तरफ यहां पे बन रही है। तो जो ब्लू लाइट थी उसको क्लोरोफिल बी पर जब अलग अलग प्रकाश की किरणों को डाला गया तो क्या देखा गया कि क्लोरोफिल बी के द्वारा ब्लू लाइट और ऑरेंज कलर की लाइट को अब्सॉर्ब किया गया, बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया गया। अब बारी आती है कैरोटेनॉइड्स की। किसकी बारी आती है? कैरोटेनॉइड्स की। अब कैरोटेनॉइड्स की अगर देखें तो पीक कहां पे जा रही है, ये पीक जा रही है इस तरीके से ऐसे, फिर एक छोटी सी पीक यहां पे जा रही है। यानी अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप 470 से लेकर के 500 के बीच की प्रकाश की किरणों को ही अवशोषित करता है और 470 से 500 के बीच प्रकाश की किरणें वही इंडिगो टू ब्लू के बीच के प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। तो इसे बेटा हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। अलग अलग वर्णकों के द्वारा अलग अलग प्रकाश की किरणों को अलग अलग
अवशोषित किया जाता है। ज्यादातर हमने देखा अवशोषण स्पेक्ट्रम के अंतर्गत कि ब्लू लाइट और रेड लाइट के बीच में प्रकाश का अधिक अवशोषण किया गया। यहां ब्लू लाइट पर बहुत सारी पीक बन रही और इधर रेड लाइट के आसपास पीक बन रही। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान इस ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि लाल और नीले रंग की प्रकाश की किरणों को सबसे ज्यादा अवशोषित किया जाता है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग बात करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम की। किसकी बात करेंगे? अब हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। देखिए बेटा, एक्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बाद सबसे पहली बात यह होती है कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। अभी आपने देखा कि पत्ती में उपस्थित अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथ्रोफिल, इन तीनों ने अलग अलग वेवलेंथ वाली अथवा रंगों वाली प्रकाश की किरणों का अवशोषण किया। एक्शन स्पेक्ट्रम इस बात का प्रदर्शन करता है, एक्शन स्पेक्ट्रम इस बात की व्याख्या करता है कि किस प्रकाश की किरण में, किस रंग की प्रकाश की किरण में, किस वेवलेंथ की प्रकाश की किरण में फोटोसिंथेसिस के एक्शन मतलब रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानकारी प्राप्त करना एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। मींस एक्शन स्पेक्ट्रम शोइंग द रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। डेफिनेशन को यहां पर जरा लिख दिया जाए। शोइंग द रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक्शन स्पेक्ट्रम के द्वारा हम आने वाली विभिन्न प्रकार की प्रकाश किरणों और प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या रिलेशन है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब कि इंडिगो डाली गई तो कितना प्रकाश संश्लेषण हुआ, ब्लू डाली गई तो कितना प्रकाश संश्लेषण हुआ, रेड डाली गई तो कितना प्रकाश संश्लेषण हुआ, ये एक्शन है। यानी किस प्रकाश में, किस वेवलेंथ की प्रकाश में कितना प्रकाश संश्लेषण होता है, यही जानकारी एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाती है। क्लियर हुआ? चलो अब इसके आगे बात करते हैं। एक वैज्ञानिक थे बेटा जिनका नाम था टी डब्ल्यू इंगलमैन। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। टी डब्ल्यू इंगलमैन ने दुनिया का सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण में एक्शन स्पेक्ट्रम की खोज की थी। डिस्कवर्ड फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम इन द फोटोसिंथेसिस। आपको याद होगा, एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा यहां पर कि टी डब्ल्यू इंगलमैन ने क्या किया था। इन्होंने सूर्य के प्रकाश को इस प्रकार से प्रिज्म की सहायता से पास आउट किया और उन्होंने एक बड़ा सा टब लिया था और इस टब में यहां पर बेटा क्लेडोफोरा भर दिया और अब इस तरीके से फोटो स्पेक्ट्रम को इसमें डाला। इसके अंदर बेटा एक काम और किया था इन्होंने,
कि इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन भरा था। जैसे ये क्या है, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, ये क्या है, ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा। अब इन्होंने कुछ समय पश्चात देखा, टीडब्ल्यू एंगलमैन ने कैसे एक्शन स्पेक्ट्रम की खोज की थी ये बताया जाएगा, फिर इसके बाद इसका ग्राफ बताएंगे। इन्होंने देखा कि जहां जहां पर ब्लू लाइट गिर रही थी, जहां जहां पर रेड लाइट गिर रही थी, वहां पर जीवाणु ज्यादा मात्रा में एकुमुलेट हुए। ऐसे ये हुआ हमारा एकुमुलेशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब उन्होंने ये निकाला कि जहां पर ब्लू लाइट गिर रही थी, जहां पर रेड लाइट गिर रही थी, वहां पर ये ऑक्सीकारक जीवाणु अधिक जमा हुए, मतलब इन स्थानों पर ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही थी। और ऑक्सीजन कहां ज्यादा रिलीज होगी, जहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। इस एक्सपेरिमेंट से एक बात साफ निकल के आई कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ब्लू लाइट और रेड लाइट में सबसे ज्यादा होती है। ब्लू लाइट और रेड लाइट का एक्शन फोटोसिंथेसिस पर सर्वाधिक होता है। चलिए अब इसको हम लोग एक ग्राफ की सहायता से भी देखते हैं जो हमारी बुक एनसीईआरटी में बना हुआ है। अब एक्शन स्पेक्ट्रम का ये ग्राफ क्या बता रहा है, देखो यहां पर ये लिखा हुआ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस इस तरफ क्या है, रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस है, इधर क्या है, ये वेवलेंथ है एनएम में, और ये हमारी क्या लिखा है, थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, ये लिखा है 400, ये लिखा है 500 वेवलेंथ, ये लिखा है 600 और ये लिखा है 700, इस तरीके से। ऐसे हम क्या देख रहे हैं, यहां पर देखो ये ब्लू लिखा हुआ है, ये ब्लू लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है रेड। इन दोनों जगह पर अगर हम देखें तो पीक सबसे ज्यादा बन रही है, इधर भी पीक बन रही है और इधर भी सबसे ज्यादा पीक यहां पे बन रही है। बन रही कि नहीं बन रही, सीधी सीधी बात इस ग्राफ के द्वारा ये एंगलमैन ने प्रदर्शित किया कि जब किसी पत्ती पर नीला प्रकाश और लाल प्रकाश पड़ता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि नीला प्रकाश और लाल प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की दर पर अधिक एक्शन दिखाता है, अधिक रेट को बढ़ाता है। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। इस ग्राफ में इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना आपको, बस दो चीजें देखनी थी। क्या देखना है कि वही जो पीछे मैंने समझाया एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, उसी का ये ग्राफ है, और इस ग्राफ के द्वारा यह प्रदर्शित किया जा रहा है कि ब्लू में सबसे ज्यादा रेट बढ़ गया और जब रेड लाइट डाली गई तो फिर से एक पीक बढ़ी। इसका मतलब रेड लाइट में भी प्रकाश संश्लेषण की दर तीव्र हो जाती। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर। तो चलिए अब हम लोग एक लास्ट में बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के बीच क्या क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी बात करते हैं। अब बेटा यहां पर जो ये ग्राफ आप देख रहे हो, ये ग्राफ दो चीजों को शो कर रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों को। यहां पर एक तरफ आपको दिखाया गया लाइट एब्जॉर्ब और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मोनो
मीटर्स इन एडन। हम क्या देख रहे हैं कि जहां पर लाल वाली पीक ऊपर है वहीं पर यह नीली वाली पीक भी ऊपर है, जहां पर लाल वाली पीक ऊपर है वहीं पर नीली वाली पीक ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब प्रकाश को जितना ज्यादा अवशोषित किया जाएगा उतना ही प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, और अगर प्रकाश और यदि प्रकाश की मात्रा को कम अवशोषित किया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा। यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अवशोषित प्रकाश की मात्रा पर प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होती है। इतनी बात आप समझ गए। इस बात को जरा एक तरीके से और देखते हैं, थोड़ा सा यहां पर लिख देते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस corresponds closely to absorption spectrum of chlorophyll A. और बेटा इसीलिए क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी और चीफ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट्स एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों यहां पर पूरी बात की गई, सारी बातों को बहुत ही क्लियर तरीके से बताने की कोशिश की गई। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बेटा हमेशा एक बात को ध्यान में रखें कि साइंस में जल्दबाजी गलत होती है। हो सकता है कि कोई जल्दी पढ़ा दे आपको 2-3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट पहले, लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन मिस हो गया तो 4 नंबर होते हैं। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे और वो 4 नंबर आपको 40,000 बच्चों के ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी साइंस को पढ़ें तो बेटा ये जो शॉर्ट फॉर्म में भागने की कोशिश करते हो इस आदत को छोड़ दो। थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि हम चालाक हैं, हमने बहुत जल्दी से कर लिया, या इसने बहुत जल्दी पढ़ा दिया, उसने बहुत जल्दी पढ़ा दिया, हो सकता है वो भी सही हो, लेकिन हमारे हिसाब से दैट्स माई ओपिनियन ओनली कि साइंस में जल्दी करना निश्चित तौर पर आपके लिए नुकसानदेह होगा। पूरा पढ़ें, डिटेल में पढ़ें तो कभी भी आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। जल्दी जल्दी पढ़ने वालों के ही माइनस ज़्यादा आते हैं बेटा। सो बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।